दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि BYD के स्टॉल में पेवेलियन में ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर क्या क्या ऑफरिंग्स थी। यहां पर बेसिकली दो गाड़ियों का बोलबाला था, BYD एटो 3 और BYD सील। BYD एटो 3 की पहले बात कर लेते हैं, तो यहां पर ये गाड़ी ऑलरेडी इंडिया में आती है। ये ई प्लेटफॉर्म 3.0 के बेसिस पे है और इसके अंदर एक ब्लेड बैटरी पैक लगाया गया है। अगर इसकी ड्राइविंग रेंज की बात करें तो यहां पर 521 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज जो है वो कंपनी क्लेम करती है ARAI टेस्ट के बेसिस। अगर इसके पावर फिगर्स की बात करें तो BYD एटो 3 की इलेक्ट्रिक मोटर 200 BHP ऑफ पावर एंड 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है वो जनरेट करती है। और यहाँ पर इस गाड़ी में तीन ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। द कार कैन अचीव 0-100 किलोमीटर इन 7.3 सेकंड्स। ये गाड़ी एक्सटीरियर में क्रिस्टल LED हेडलैम्प्स के साथ में वन पीस LED फेस और टेल स्ट्रिप्स के साथ में आती है। दिस कार हैज 18 इंच अलॉय व्हील्स। अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर 12.8 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन हमें देखने को मिल जाती है, विच कैन रोटेट, और 8 स्पीकर साउंड सिस्टम देखने को मिलता है विद 360 डिग्री कैमरा, और एक पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। अगर ऑटो एक्सपो 2023 की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर ये गाड़ी एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट ग्रीन शेड में इंट्रोड्यूस की गई, जिसके सिर्फ 1200 यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अगर इसके एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो दैट इज 34.49 लाख रुपीज। ये गाड़ी लास्ट नवंबर में लॉन्च की गई थी इंडिया में। नेक्स्ट कार जो थी वहां पर वो थी BYD सील। चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरर BYD ने एक नई इलेक्ट्रिक लग्जरी सीडान BYD सील को जो है वो लॉन्च किया। कंपनी फिलहाल ऑलरेडी दो इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में लॉन्च कर चुकी है जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। BYD सील का जो डिजाइन है वो ज्यादा स्मूथ और स्लीक देखने को मिलता है और ये ई प्लेटफॉर्म 3.0 पर बेस्ड है। इस गाड़ी के अंदर स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, फुल विड्थ LED लाइट बार एट द रियर, ऑल ग्लास रूफ, 4 बूमरैंग शेप्ड LED DRLs और फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ये गाड़ी 1875 मिलीमीटर वाइड है, 4800 मिलीमीटर लॉन्ग है और 1460 मिलीमीटर की इसकी हाइट है। अगर इस गाड़ी के पावर ट्रेन की बात करें तो ये गाड़ी दो बैटरी पैक्स के साथ ऑफर की जाती है, 61.4 किलोवाट आवर बैटरी जो कि 550 किलोमीटर की रेंज देता है और 82.5 किलोवाट आवर बैटरी जो कि 700 किलोमीटर तक की रेंज प्रोड्यूस करता है। बड़े बैटरी पैक के साथ में ये गाड़ी 0-100 किलोमीटर पर आवर 3.8 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। BYD सील सिंगल मोटर और डुअल मोटर पावर टेरेन ऑप्शंस के साथ में ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है। सिंगल मोटर वेरिएंट पेयर किया जा सकता है दोनों स्मॉलर और बिगर बैटरी पैक के साथ में, लेकिन डुअल मोटर वेरिएंट कैन ओनली बी बॉट विद द लार्जर बैटरी पैक। अगर इंडिया की बात करें तो अभी सुनने में ये आया है कि BYD इंडिया में डुअल मोटर वेरिएंट ही लॉन्च करेगा और ये एक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में दी जाएगी जो कि 215 BHP ऑफ पावर, जबकि रियर ड्राइव वाला व्हीकल 307 BHP ऑफ पावर जो है वो जनरेट करेगा। BYD सील जो है वो थर्ड पैसेंजर EV लॉन्च होगा कंपनी के द्वारा, एंड होपफुली वी कैन सी दिस कार बाय द एंडिंग ऑफ दिस ईयर इन Q4। दिस वाज ऑल अबाउट BYD स्टॉल एट ऑटो एक्सपो 2023। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑटो एक्सपो अपडेट्स एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।